नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा लाइफ मैनेजमेंट का पहला सेशन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली लाइफ मैनेजमेंट क्या है, क्यों है वगैरह। तो आज का जो लेसन है वो इंट्रोडक्टरी लेसन है कि जिसके अंदर हम बताएंगे कि एग्जैक्टली लाइफ मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब जब आप इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनने के लिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो और इंजीनियर बन के बाहर निकलते हो। डॉक्टर बनने के लिए आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो और डॉक्टर बन के बाहर आते हो। वैसे ही जितने भी प्रोफेशनल है वो अलग अलग कॉलेज में पढ़ के वो प्रोफेशनल बन के आ जाते हैं। लेकिन लाइफ को कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर हमने कोई कॉलेज नहीं बनाया है और ना ही आज के डेट पे ऐसी कोई सुविधा है कि जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि भाई लाइफ क्या है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। इसलिए हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है कि जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि भाई एग्जैक्टली लाइफ होती क्या है, अगर लाइफ को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें क्या करना चाहिए। और आई होप कि बिकॉज वो सारे के सारे जो कॉमन इश्यूज़ होते हैं और हमारा जो अप्रोच होगा वो लॉजिकल अप्रोच होगा, जहाँ तक पॉसिबल हमको किसी भी धर्म के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में या सिद्धांतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। खैर, भवंस कॉलेज का एक ये ट्रेंड है कि बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली लाइफ क्या है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कई सारे लेसन्स आपके सामने आएंगे और हर लेसन के अंदर हम लोग एक ऐसा इशू उठाएंगे कि भाई जो आपके काम का है। हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ हद तक कि भाई व्हाट इज़ लाइफ, और व्हाट इज़ लाइफ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो पर्सनल लाइफ क्या होता है, फैमिली लाइफ क्या होता है, बिजनेस लाइफ क्या होता है, सोशल लाइफ क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आगे जो जो लेसन्स आएंगे उसके अंदर हम लोग जो है डिस्कस करते जाएंगे। कुछ हद तक हम लोग इसी सेशन के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे जो एनिमीज़ होते हैं, एनिमीज़ का मतलब है कि भाई हमारे आस पड़ोस के एनिमीज़ नहीं, हमारे अंदर जो एनिमीज़ जो छुपे हैं, हमारे जो विकार, ये जो विकार है जिसको हम लोग कहते हैं भाई काम क्रोध लोभ मोह माया वगैरह, ये क्या है, क्यों है, हमारी लाइफ में ये क्या रोल प्ले करते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग इसी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है कि भाई हमारे रिलेशनशिप को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं कि भाई भाई बहन है या पति पत्नी है या पिताजी और बच्चा है, जो भी है, ये जितने भी रिलेशंस है उसके क्या पैरामीटर्स है, इसको भी हम लोग जो है इस पर्टिकुलर लाइफ मैनेजमेंट के अलग अलग सेशंस में हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ हद तक हम लोग कहते हैं कि भाई कर्म सिद्धांत, कि भाई हम लोग कहते हैं भाई कैसा जैसा करोगे वैसा पाओगे, एग्जैक्टली है क्या, और कर्म सिद्धांत क्या है, किस तरह से हमारे लाइफ में वो एप्लीकेबल है, इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ हद तक जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग कहते हैं बहुत सारे हमारे जो कॉमन इश्यूज़ ऑफ लाइफ होते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, आस पड़ोस और एक दूसरे का ईर्ष्या क्यों करते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन इश्यूज़ ऑफ लाइफ, इसके ऊपर भी जो है हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे। और इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि भाई शादियाँ बनती है, शादियाँ टूटती है, उसका रीज़न क्या है, किस तरह से हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ऐसे कई सारे इश्यूज जो है ये हम लोग अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग लेसन्स के लेकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग थोड़ा सा उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो हम लोग बात करते हैं कि भाई लाइफ, ये लाइफ है क्या, मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई इंसान होगा कि उसे नहीं पता कि भाई लाइफ क्या है। जब हम लोग पैदा होते हैं और जब हम लोग मर जाते हैं, इसका बीच का जो पीरियड जो है उसको हम लोग लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं। तो कुछ हद तक हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे ही लाइफ को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, कि मे बी 3 kg, मे बी 2.5 kg,
ये जो छोटा सा जो बच्चा होता है आहिस्ता आहिस्ता करके वो बढ़ने लगता है, कुछ समय के बाद हमारे आंखों के सामने वो चलना फिरने लगता है, वो बोलने लगता है, उसको हम लोग स्कूल में डालते हैं। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी कदकाठी बढ़ रही है, इसको हम लोग कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड द फिजिकल ग्रोथ। फिजिकली उस बच्चे को हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं, द फिजिकल ग्रोथ। और फिजिकल ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट अबाउट 17, 18, 19, 20 ईयर्स तक फिजिकल ग्रोथ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। हर वक्त हमारा कुछ वजन बढ़ता है, कुछ हाइट बढ़ती है, और वो टोटल जो हमारा जो जो रिक्वायर्ड जो ग्रोथ है फिजिकल ग्रोथ, वो 15-20 साल के बीच में जो है कंप्लीट हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, गेम्स खेलते हैं। स्कूल में भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, वही फिजिकल ग्रोथ के लिए क्या क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। जब हम स्कूल में जाते हैं उसके बाद कुछ पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग जो है कि भाई दिमाग के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई अभी जितनी मुझे नॉलेज है 2 साल के बाद और ज़्यादा नॉलेज है, और 2 साल के बाद और ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा करते 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 जो है हम लोग जो है बहुत सारा नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, उस नॉलेज को हम लोग हमारे साथ आत्मसात करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, और हम लोग कहते हैं नाउ वी आर एजुकेटेड। मैंने 10th पास करी है, मैंने 12th पास करी है, मैंने ग्रेजुएशन पास करी है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास करी है। ये जो टोटल जो ग्रोथ हमारे अंदर जो हो रहा है, जिसको हम लोग नॉलेज को लेकर जो ग्रोथ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द मेंटल ग्रोथ, यानी कि बौद्धिक उन्नति। तो बौद्धिक उन्नति जिसको हम लोग जो कहते हैं कि भाई ये चलती रहती है, चलती रहती है। कुछ हद तक स्कूल में जितना भी हमें पढ़ाया जाता है, आस पड़ोस से हम लोग जो भी कुछ सीखते हैं, सब कुछ जो है हम लोग दिमाग में डालते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, और अल्टीमेटली एग्जाम्स को पास करके हमारे पास कुछ डिग्रियाँ वगैरह आ जाती है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर भी जो है स्कूल वाले काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोचिंग क्लासेस एड ज्वाइन कर लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हमारे अंदर हम लोग जो है बौद्धिक उन्नति यानी कि मेंटल ग्रोथ कंप्लीट करते हैं। और मेंटल ग्रोथ ऐसे कंप्लीट करने की कोई उम्र नहीं है, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन एक समय के बाद हमें लगता है कि नहीं बहुत पढ़ लिया, अभी और कुछ करना चाहिए। बौद्धिक उन्नति के साथ हम लोग जब कहते हैं कि भाई चलो मैंने पढ़ाई भी करी, एजुकेशन भी मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग जॉब करते हैं, उसके बाद हम लोग शादी करते हैं, और उसके बाद पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं सबसे पहले अपने लिए, उसके बाद अपने परिवार के लिए, उसके बाद अपने फ्यूचर के लिए। बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, फ्यूचर के लिए कोई बैंक बैलेंस बना के रखनी है। ये तमाम चीज़ें जिसको हम लोग कहते हैं नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक उन्नति। हम लोग पैसा जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं, बैंक बैलेंस और ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा करते हैं, और इन तमाम चीज़ें जो है हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। कुछ हद तक जितने भी परिवार को जब हम लोग देखते हैं कि भाई आर्थिक उन्नति तक जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई चलो मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, अभी बस पैसा जोड़ना है, बैंक बैलेंस बढ़ानी है, और जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ाती जाएगी, पहला मेरा छोटा मकान था अभी बड़ा मकान हो गया, पहले जो है मेरी छोटी जिम्मेदारी थी ऑफिस के अंदर, अभी मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो पैसा कमाते हैं पैसा कमाते हैं पैसा कमाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आर्थिक उन्नति यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी कुछ ग्रोथ हमारे अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं द स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति। अब यहाँ पे पूछोगे वो एग्जैक्टली क्या होता है। देखो जितने भी लोग भाई जो 50-60 साल के आसपास पहुंच गए हैं, जिंदगी को अच्छी तरह से जी लिया है, सब कुछ कर लिया है, मकान बनाया, बच्चों की पढ़ाई करी, उनका एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनकी शादी करी, उसके बाद लगता है कि यार देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ कुछ तो मिसिंग है।
पता नहीं क्या मिसिंग है। नाउ व्हाट इज दैट मिसिंग इज बेसिकली दैट ही इज मिसिंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक हर इंसान जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका कोई पर्पस ऑफ लाइफ है, उसका कोई पर्पस ऑफ लाइफ है, वो कुछ ना कुछ करने के लिए भगवान ने उसे यहाँ पे भेजा है। क्या करने के लिए भेजा है मुझे नहीं पता है, स्कूल वाले भी नहीं बताते हैं, माँ बाप ने भी ठीक से नहीं बताया और ना ही मुझे समझ में आया। और जब वाकई में सबके बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा, फ्यूचर के बारे में सोचा, फिर भी लगता है कि भाई देयर इज समथिंग मिसिंग। और ये जो मिसिंग जो पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं द स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर नहीं है तो हमें लगता है कि भाई नहीं, मेरी जिंदगी जो है कुछ हद तक कुछ तो मिसिंग है, जो मैं करना चाहता था, जो बनना चाहता था, या मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया। एंड जनरली वी डाई अनसेटिस्फाइड। हम लोग कुछ हद तक जो है कि भाई निराश होकर जिंदगी को जो है खत्म कर देते हैं। तो एग्जैक्टली स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में हमें पता कैसे चलेगा और किस तरह से जो है हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ेंगे? देखो, एक छोटी सी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करो। हम लोग कहते हैं कि आदमी बुजुर्ग है और ये बच्चा है, तो यहाँ भी आपको सोचना चाहिए कि भाई बुजुर्ग कौन है और बच्चा कौन है, किसको बच्चा कहा जाता है, किसको बुजुर्ग कहा जाता है। देखो, आप कहोगे कि बिकॉज जो भाई 10 साल का है वो बच्चा है और जो 50 साल का जो है बुजुर्ग है, क्या ये इतना ही काफ़ी है? नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भक्त प्रहलाद जो है सिर्फ 10 साल का, और जो उसका पिताजी जो है, उसका फादर जो है, वो है हरणाकश्यप। हरणाकश्यप जो है 50 साल का है। तो हरणाकश्यप जो है बहुत ही अहंकारी राजा है, उसका बच्चा, उसका बेटा जो है भक्त प्रहलाद है। तो प्रहलाद कहता है कि भाई जल है राम, फल है राम, जल और फल में राम है। जबकि भाई हरणाकश्यप कहता है कि नहीं बेटा, तू गलत बोल रहा है, जल हरणाकश्यप फल हरणाकश्यप, जल और फल में जो है हरणाकश्यप मैं हूँ, राम नहीं है। अभी यहाँ पे जो पिता के जो विचार है और जो बच्चे के जो विचार है आपस में क्लैश करते हैं, और जहाँ तक पॉसिबल है कि भाई जो पिताजी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा कहता है कि भाई जल है राम, फल है राम, और हरणाकश्यप कहता है जल हरणाकश्यप, फल हरणाकश्यप। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे 10 साल का जो बच्चा है, जो परमेश्वर के स्वरूप के बारे में जानता है, वो बुजुर्ग है। 10 साल का बच्चा बुजुर्ग है। और जो 50 साल का जो हरणाकश्यप है, कि जो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है, अपने आप को ही बड़ा समझता है, वो बच्चा है। तो सिर्फ एज से, सिर्फ उम्र से बच्चा या बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चलते हैं कि देखो अष्टावक्र ने जो है 15 साल का बच्चा, जिसने राजा जनक को उपदेश दिया, जिसको हम लोग अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कि भी कुछ हद तक जो है 15 साल का बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है। तो जरूर नहीं है कि भाई 15 साल का बच्चा अगर है तो बुजुर्ग नहीं है। तो बुजुर्ग सोच से होता है। जैसे आपने देखा कि भाई जो संत ज्ञानेश्वर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने पूरी ज्ञानेश्वरी देखी। तो एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसा नहीं सोचो कि भाई अगर 50 साल हो गया तो बुजुर्ग हो गया। नॉट लाइक दैट। जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे अंदर अगर नहीं है, तब तक वो बच्चा बच्चा ही रहेगा, वो कभी बुजुर्ग नहीं बनेगा। तो दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो चार ही जो ग्रोथ होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे पहले शारीरिक उन्नति यानी कि फिजिकल ग्रोथ, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई जो मेंटल ग्रोथ यानी कि बौद्धिक उन्नति, थर्ड नंबर पे आता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक उन्नति, और लास्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि आध्यात्मिक उन्नति,
जब तक आध्यात्मिक उन्नति हमारे अंदर नहीं आती है, तब तक हम लोग बच्चे के बच्चे रहेंगे, हम लोग कभी बुजुर्ग नहीं बनेंगे। सो द मेन पर्पज ऑफ लाइफ हमारा जो है वो ये है कि दैट वी मस्ट मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो जहाँ तक पॉसिबल है कि भाई अगर हम लोग हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, हम लोग कहते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री के अंदर हम लोग किसी एक धर्म विशेष के ऊपर कोई एजुकेशन नहीं देते हैं। आज़ादी के बाद हमने तकरीबन सभी स्कूलों के अंदर से, सिलेबस के अंदर से जो रिलीजियस स्टडीज जो है हटा ली। वी आर नो मोर टीचिंग द रिलीजियस स्टडीज, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर टीचिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई मॉरल साइंस वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि भाई जहाँ तक पॉसिबल है सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन है, सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है, दो तरह से हम लोग इस सेकुलर वर्ल्ड को देख सकते हैं। एक द कंट्री विच बिलीव इन ऑल रिलीजन, द कंट्री विच बिलीव इन ऑल रिलीजन, ये सही डेफिनेशन है। द इंडिया मस्ट बी अ कंट्री विच बिलीव इन ऑल रिलीजन्स। तो उस पर्टिकुलर केस में इस रिस्पेक्ट में वो बच्चा या स्टूडेंट किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको उस रिलीजन की जो है उसको पढ़ाई होनी चाहिए कि जो कि आज के डेट पे नहीं हो रही है। देखिए दूसरी डेफिनेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं द कंट्री विच बिलीव इन नो रिलीजन, ऐसी कंट्री की जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। कुछ हद तक कि भाई हिंदुस्तान सभी रिलीजन में बिलीव करता है, लेकिन अगर रियलिटी को अगर हम लोग देखते हैं, इट इज़ प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं द इंडिया इज अ कंट्री विच बिलीव इन नो रिलीजन। किसी भी रिलीजन के बारे में हम लोग स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं। ये मेन प्रॉब्लम है हमारे साथ जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जीवन जो है आधा अधूरा ही रहेगा। अगर वाकई में अगर हमारे जीवन को अगर कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे अंदर वो सारे के सारे ग्रोथ इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और उस पर्टिकुलर केस में आपका लाइफ जो है, हमारा लाइफ जो है कंप्लीट हो सकता है। भारतीय विद्या भवन की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय विद्या भवन 1938 में स्टार्ट हुआ था, के एम मुंशी जी ने स्टार्ट किया इसको, तो तब से लेकर अब तक मैं आपको कहता हूँ भाई के एम मुंशी जी की जो फिलोसॉफी है, आइडियोलॉजी है, हमने बकायदा जो है कि भाई हमारे प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ अ भारतीय विद्या भवन। जो आइडियोलॉजी ऑफ अ भारतीय विद्या भवन जो है इसके अंदर मैंने हाईलाइट किया है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि भाई इवन दो यू मे अल्टीमेटली बिकम अ साइंटिस्ट, अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, यू मस्ट वाइल इन अ कॉलेज एब्जॉर्व द फंडामेंटल वैल्यूज विच विल मेक यू अ मैन ऑफ अ कल्चर। एन इंजीनियर हैज नॉट मेयरली टू बिल्ड ब्रिजेस, ही हैज टू बी अ डिवोटेड हजबेंड, अ काइंड फादर, अ फ्रेंडली नेबर, अ ड्यूटिफुल सिटीजन एंड अ मैन ट्रू टू हिमसेल्फ। ये जो मुंशी जी की जो आइडियोलॉजी है, जहाँ तक पॉसिबल हम लोग चाहते हैं कि भाई इस आइडियोलॉजी को जो है अगर हम लोग अगर फॉलो करते हैं, वो इसीलिए कि भाई एजुकेशन का पर्पज सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेशनल बनाना नहीं है। जब कॉलेज में वो पढ़ता है, स्कूल में जब पढ़ता है, उसको एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है इसका ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा इंसान वो है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आध्यात्मिक उन्नति है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हम लोग जो है बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। और ये जो सेशन अभी हमने जो रखा है कि द लेसन्स ऑन द लाइफ मैनेजमेंट, तो वो इसलिए रखा है ताकि जल्दी से जल्दी जो है इस लेवल पे, इस डायरेक्शन में है सोचना शुरू कर सकते हैं। भारतीय विद्या भवन सभी धर्म में बिलीव करता है, और सभी धर्म में बिलीव करता है इसको बताने के लिए हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में सर्वधर्म प्रार्थना का कॉन्सेप्ट है।
कि जिसके अंदर कि भी हमारे जो ऑल छह मेजर रिलीजन जो है इंडिया में जो प्रैक्टिस हो रहे हैं इसको लेकर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना अगर आपको सुननी है देखनी है तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी उसको बनाया है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप सर्वधर्म प्रार्थना भारतीय विद्या भवन आप सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिए। उसके अंदर सभी धर्मों के बारे में, बिकॉज वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर करना है तो सबसे पहले ऐसी विचारधारा बननी चाहिए कि जिसके अंदर जो है हमें सर्वधर्म का मान करना है, सम्मान करना है। कोई भी धर्म छोटा नहीं है, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, ऐसा सोच के जो है हमें एजुकेशन लेना है। खैर देखो जैसे कि ये हमारा पहला ही लेसन है और हमें सक्सेसफुल अगर लाइफ अगर जीनी है, मैं एक छोटा सा आपको एक यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगा, उसको आप समझने की कोशिश करो। अगर इस एडवाइस को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका लाइफ कुछ हद तक जो है कामयाब हो सकता है। देखो छोटा सा एग्जाम्पल, मुझे आपको 10 रुपये देने हैं, मुझे आपको 10 रुपये देने हैं। अगर मुझे आपको 10 रुपये देने हैं तो 10 रुपये का मेरे जेब में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है तब तक मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, और ना ही जब तक मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है तब तक मैं आपके बारे में देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है, वो ये है। देखो हम लाइफ में क्या लेना चाहते हैं इसके बारे में नहीं सोचो, हम लाइफ में देना क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचो। जो आप दूसरे को देना चाहते हैं, जो आप दूसरे को देना चाहते हैं वो पहले आपके जेब में आएगा। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर मुझे 10 रुपये आपको देने हैं तो आपको देने के पहले मेरे पास 10 रुपये आ जाते हैं। वैसे ही हम लोग कहते हैं जो आप देना चाहते हैं किसी को भी वो पहले आपके पास आएगा। आप लोगों को पैसा देना चाहते हैं, पहला पहले आपके जेब में आएगा, पैसा पहले आपके जेब में आएगा। आप लोगों को दुख देना चाहते हैं तो दुख पहले आपके पास आएगा, फिर आप उस दुख को आगे दे दोगे। आप लोगों को सुख देना चाहते हैं तो सुख पहले आपके पास आएगा, फिर आप आगे लोगों को दे सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो आप देना चाहते हैं वो आप तय करो। आप किसी को मान सम्मान देना चाहते हैं, किसी को इज्जत देना चाहते हैं, किसी को प्यार देना चाहते हैं, बस देने की भावना चाहिए, देने की भावना चाहिए। अगर आपके पास देने की भावना है जो देना चाहते हैं वो आपके पास आएगा, तो लेने की भावना डेवलप नहीं करो, देने की भावना डेवलप करो। अगर आप देने के लिए अगर तय कर लेते हो कि भाई मुझे देना है तो उस पर्टिकुलर केस में वो चीज़ आपके पास सबसे पहले आएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। देखो भाई जो अगला सेशन हमारा जो होगा उस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वाकई में अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हम लोग आपको तो आप जानते हैं कि भाई इंसान हमेशा विचारों से पहचाना जाता है। जब विचार हमारे दिमाग में जो आते हैं उन विचारों को लेकर लोगों की जो है पहचान हो जाती है। तो हमारे अंदर क्या बदलाव हमें करने चाहिए, हमारे जो सोचने का जो अंदाज जो है वो किस तरह से हमें बदलना चाहिए, किस तरह से एक लॉजिकल अप्रोच लाइफ की तरफ देखने का हमारा होना चाहिए, इसके ऊपर जो है हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन के अंदर बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि वे किस तरह से हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है करने के बाद आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में जो बनना चाहते हैं, लाइफ में अल्टीमेट हमें जो सेटिस्फेक्शन जो लेना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल सकता है। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।